चौकीदार देख रहा है और लोग बैंकों को चूना लगाकर भगौड़े हो रहे हैं और लाखों पढ़े लिखे नौजवानों के सपने आंखों के सामने पकौड़े हो रहे हैं। कहते हैं कि सियासत एक ऐसा नशा है जो अगर एक बार चढ़ जाए तो कभी उतरता ही नहीं है। जी हाँ, पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान के मामले में ये कहावत एकदम फिट बैठती है। राजनीति में कदम रखने से पहले भगवंत मान देश के जाने माने कॉमेडियन हुआ करते थे। उस दौरान वो अपनी बातों से लोगों का खूब मनोरंजन करते थे, लेकिन साल 2012 में जब उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की तो उनकी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव आया जिसने मान की जिंदगी बदल कर रख दी। जी हाँ, पार्टी ज्वाइन करने के बाद 2014 में मान ने पंजाब के संगरूर से लोकसभा चुनाव लड़ा था और 2,00,000 वोटों से चुनाव जीता भी था। इस चुनाव में वो आपके लोकसभा में पहले और इकलौते सांसद बने। इसके बाद भगवंत मान ने 2019 में भी पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और उसे भारी वोटों से जीता भी। हालांकि कॉमेडी छोड़ने के बाद भी संसद से लेकर सड़क तक मान अपनी बात को शायराना और तंज भरे अंदाजों में रखते हैं। चौकीदार देख रहा है और लोग बैंकों को चूना लगाकर भगौड़े हो रहे हैं और लाखों पढ़े लिखे नौजवानों के सपने आंखों के सामने पकौड़े हो रहे हैं। अब तो साहब के ऑफिस से मेन्यू बनकर आता है कि हमने क्या पहनना है और हम क्या खाने वाले हैं। मोदी जी, अगले 6-7 महीने में आप जाने वाले हैं, कृपया जाते जाते ही बता दीजिए अच्छे दिन कब आने वाले हैं। लेकिन एक कार्यक्रम से लेकर सांसद बनने और अब पंजाब में पार्टी का सीएम कैंडिडेट बनने तक भगवंत मान ने वो कुर्बानियां दी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हाँ, राजनीति की वजह से मान अपने परिवार को ज्यादा समय नहीं दे पाते थे, जिसकी वजह से साल 2015 तक आते आते उनका परिवार एकदम बिखर गया। भगवंत मान खुद बताते हैं कि राजनीति में आने की वजह से उन्होंने बहुत कुछ खोया है। भगवंत मान का उनकी पत्नी से 2015 में ही तलाक हो गया था, यहाँ तक कि उनके बच्चे भी अब उनसे बात नहीं करते। एक इंटरव्यू में खुद भगवंत मान ने बताया, मेरी अब मेरे बच्चों से फोन पर भी बात नहीं होती, शायद मैं अपने परिवार को वक्त नहीं दे पाता था, इस वजह से मुझे अपनी पत्नी से दूर होना पड़ा, हमने आपसी सहमति से ही तलाक लिया था। इसी इंटरव्यू में भगवंत मान ने आगे बताया कि कई सालों से फोन पर भी बच्चों और पत्नी से उनकी बात नहीं हुई, अब वे पंजाब को ही अपना पूरा परिवार बताते हैं। 48 साल के भगवंत मान के परिवार में एक लड़का और एक लड़की है जो अब विदेश में रहते हैं और उन्होंने वहां की नागरिकता भी ले ली है। भगवंत मान संगरूर से लगातार दूसरे चुने गए सांसद हैं। पिछले साल ही आम आदमी पार्टी ने उन्हें पंजाब इकाई का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। इस सबके अलावा भगवंत मान समय समय पर पंजाब को नशा मुक्त करने का वादा करते रहे हैं, लेकिन जनवरी 2019 में खुद उन पर ही शराब पीकर संसद में आने का आरोप भी लगा था। एक कसूर नहीं, ये भगवंत मान साहब इन पढ़ लियो, ये पंजाब च रहना, पंजाब च नंबर बहुत, ये पंजाब च रहना ठीक है जी, कुर्सी मिलती है गुरु के चरण लाके, दारू पीती है या दारू पीती है या दारू ठीक है जी, अल्लाह दारू पी गया, मैं जख्मी जख्मी सारे ने ओरे अंदर जख्मी ने, अंदर जख्मी ने महाराज ठीक है, एक गल सुन लो मेरी हुन ठीक है जी। इस पूरे विवाद के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को ही इस घटना का पूरा विवरण ट्वीट करके बताना पड़ा था। इसके बाद जनवरी 2020 में उन्होंने बरनाला रैली में ही स्टेज पर कसम खाई थी कि वो अब कभी शराब नहीं पिएंगे। हालांकि अब वो आपके पंजाब में सीएम कैंडिडेट हैं और मान के चेहरे के दम पर आम आदमी पार्टी पंजाब में क्या कमाल दिखा पाएगी, ये तो 10 मार्च को आने वाले चुनावी नतीजे ही बताएंगे।